न्यूजीलैंड की मसाजिद पर दहशतगर्द हमला नहायत तकलीफ दे और काबिल मजम्मत है। इन हमलों के पीछे 9/11 के बाद फैलने वाला इस्लाम फोबिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सख्त मजम्मत, कहा यह हमला हमारे मौकिफ, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, तस्दीक करता है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की समाज से गुफ्तगू, कहा किसी भी पाकिस्तानी के जख्मी होने की इतला नहीं। आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस, इस्लामाबाद मुंतकिल। बैंकिंग कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर और दीगर की हिफाजती जमानतें मंसूख कर दी। सीडीए के साबिक मेंबर स्टेट असद मुनीर की लाश घर से मिली, पुलिस ने लाश वर्सा के हवाले कर दी। लुआहिकीन ने पोस्टमार्टम करने की इजाजत नहीं दी। असद मुनीर के खिलाफ नैब ने तहकीकात की भी मंजूरी दे दी। आपसे अपील करता हूं, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। 23 मार्च को अपने अपने इलाकों में सिर्फ यौम पाकिस्तान मनाएं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जेल से कारकुनों के नाम पैगाम, कहा मुझे इल्म हो रहा है कि कारकुन मेरा इलाज ना होने पर एहतजाज करना चाहते हैं। आपकी मोहब्बत और जज्बे को सलाम करता हूँ।